दिस प्रोफेसर गौरव मेहता फ्रॉम लक्ष्य कोचिंग सेंटर जामनगर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि अकाउंटिंग जो है वो थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो कॉम्प्लिकेटेड तो बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं आपके लिए होने दूंगा। तो आज मैं आपके लिए पार्टनरशिप का जो चैप्टर है उसमें से जो 8 मार्क वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो उसी 8 मार्क वाला जो क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लाया हूँ। और पूरा का पूरा एक क्वेश्चन जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। कई बार ये या ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आपको फोकस करके इसको देखना है, समझना है। और एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो ऐसा नहीं होगा कि पार्टनरशिप अकाउंट्स में जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो आप करते रहें। देखिए, मैं हर एक चीज़ पे आपको बताऊंगा कि कहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं, हर एक पॉइंट में बताऊंगा। और पूरा का पूरा जो वीडियो है वो मैं आपको सम करके यहाँ पर दिखाऊँगा, ठीक है ना। तो सभी एंट्री, सभी एडजस्टमेंट, जो भी चीज़ है, सभी चीज़ें जो है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन का टाइटल है, ब्रह्मा एंड विष्णु दे आर पार्टनर्स इन ए फर्म विथ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन 3:2। अभी सबसे पहली चीज़ है वो है ये 3:2। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि ये जो है टेबल के पहले, ट्रायल बैलेंस के पहले ये चीज़ दी हुई होती है और स्टूडेंट्स यही नहीं देखते, और फिर वो देखते हैं कि ये कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, तो वो टेबल में या एडजस्टमेंट में कहीं पे मिलता नहीं है क्योंकि ये सबसे ऊपर दिया हुआ होता है। तो सबसे पहला लेसन कि आपको देखना है कि रेशियो कौन सा है, क्योंकि वो हमको ज़रूरत पड़ेगी जब भी हमको डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करना है तो तब उसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कंपलसरी है, आपको ये फोकस रखना ही है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, अभी यहाँ पर हमको डेट दे रखी है 31/3/2017, एडजस्टमेंट भी दिए हैं, और हमको क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, क्या हमको बनाना है, एनुअल अकाउंट्स ऑफ द फॉर्म। तो फॉर्म्स के एनुअल अकाउंट जो है वो हमको बनाने हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, पहले तो ट्रायल बैलेंस जो है उसमें क्या दिया है, कौन सी चीज़ें आपको दे रखी है, है ना। तो देखिए, मैं पहले तो ट्रायल बैलेंस में जितनी सारी चीज़ें दी हुई है उसका भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा कि कौन सी चीज़ क्या है, ताकि आपको कोई भी डाउट हो, है ना, बेसिक अकाउंटिंग टर्म में या कोई भी डाउट हो तो वो आपको पता चल जाए कि कौन सी चीज़ दे रखी है और वो क्या है एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये हमारी ट्रायल बैलेंस है ना 31/3/2017 की। वैसे आप टेक्स्ट बुक भी साथ में रख सकते हो रेफरेंस के लिए, उसमें से भी आप देख सकते हो, और मैं जो आपको करवा रहा हूँ उसमें से भी देख सकते हो। मेरा प्रेफरेंस हमेशा यही रहेगा कि जैसे जैसे आप करते जाते हो या जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वैसे वैसे आप लिखते भी जाओ, क्योंकि एक बार आपने साथ साथ में लिख लिया तो 100% वो आपके डाउट में से बाहर निकल जाएगा, कोई भी डाउट आपको 1% भी रहेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्विकली। देखिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमको क्या दी है डेबिट बैलेंस में, ड्रॉइंग्स। जैसे ब्रह्मा और विष्णु दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है, तो उनके ड्रॉइंग्स हमको दिए गए हैं, है ना। तो मतलब भी ड्रॉइंग्स मतलब क्या कि पर्सनल यूज़ के लिए जो भी गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं वो लोग, जो भी पैसे विड्रॉ कर रहे हैं वो है ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो ये ड्रॉइंग्स हमको पता चल गया, मैंने बताया आपको। उसके बाद क्रेडिट में देखेंगे तो वहाँ पे दिया है हमको कैपिटल अकाउंट, है ना। तो देखिए, कैपिटल अकाउंट मतलब कि अमाउंट जिससे बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो दोनों ने कितना अमाउंट से बिज़नेस स्टार्ट किया है, दोनों ने मिलके आप देखो तो 1 लाख रुपीज़, है ना। ब्रह्मा का 55,000 है और विष्णु का जो है वो है 45,000, ठीक है ना। तो ये बेसिक चीज़ हो गई। आगे जाते हैं कि क्या दिया गया है। देखिए, आपको बहुत ही डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या है आपको, ठीक है ना, और कहाँ पे खड्डे हैं, है ना, कहाँ पे आप गिर सकते हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ मत कीजिएगा। तो चलिए, दो चीज़ तो हमने देख ली, हमने देख लिया ड्रॉइंग्स एंड हमने देख लिया कैपिटल अकाउंट्स। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे दिया है लीज होल्ड बिल्डिंग, ओके ना। तो लीज होल्ड बिल्डिंग जो है वो 10 सालों के लिए है, कितनी अमाउंट है फ्रेंड्स, 60,000। अभी देखिए, हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं, है ना, या फिर हम P&L अकाउंट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, वो कितने साल का है, 1 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 साल की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो लीज होल्ड जो है बिल्डिंग का, है ना, मतलब कि 10 साल के हम दे रहे हैं उनको 60,000 रुपीज़। तो जब भी आप लीज होल्ड की एंट्री करेंगे, है ना, लीज होल्ड जो है वो आएगा P&L अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये एक्सपेंस है हमारा, ठीक है ना, क्योंकि लीज दे रहे हैं हम, एक तरह से बोलो तो रेंट दे रहे हैं। तो वो तब कितना होगा फ्रेंड्स, 60,000 नहीं होगा, वो होगा 6,000। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक करते हैं। अगर आपने गलती से 60,000 ले लिया तो ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट के बदले लॉस आ जाए, है ना, या पूरा का पूरा गलत हो जाए आपका क्वेश्चन। तो
तो ये आपको फोकस करना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं ये फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया, मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि कभी भी पार्टनरशिप वाले जो क्वेश्चन है, 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ देखिए, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि जिसमें स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सबसे पहली मैंने चीज़ आपको बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2, वो टेबल के ऊपर दिया होता है, वो देखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर 10 ईयर्स की बात हो गई तो 6,000 लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है लोन ऑफ ब्रह्मा, तो ब्रह्मा ने लोन लिया है कंपनी से कितने अमाउंट का, 50,000 का, ठीक है ना। लेकिन वो लोन कब लिया है वो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए वो लोन उसने लिया है 1/7/2016, तो ये अभी हम जो बना रहे हैं वो कौन सा है फ्रेंड्स, 2017 है ना। उसका मतलब क्या हुआ कि ये आउटस्टैंडिंग लोन हो गई है ना। आउटस्टैंडिंग लोन का मतलब क्या है कि वो जो है पेमेंट उसका बाकी है, वो लोन जो है वो हो गई आउटस्टैंडिंग लोन, ठीक है ना। तो वो भी आपको याद रखना है, तो जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे है ना, वो कौन सा होगा, आउटस्टैंडिंग लोन इंटरेस्ट होगा, ठीक है ना। तो ये तीन चीज़ें जो है आज मैं अभी क्वेश्चन में बताइए आपको फोकस करनी है। देखिए बाकी सारी कॉमन चीज़ें हैं उसमें हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, ये तीन चीज़ें कि जो आपको बहुत ही अच्छे से फोकस करनी है, ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे। ओके चलिए फिर से कुछ चीज़ दे रखी है, देखिए मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे आपके लिए ली है ताकि सब कुछ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखिए यहाँ पे मशीनरी दिया है ऑफिस का, डिस्काउंट हमको मिला है, डिस्काउंट हमने दिया है, डिस्काउंट दूसरों को अलाउ किया है, डेप्टर्स है, क्रेडिटर्स है, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, है ना। देखिए इसमें आपकी मिस्टेक नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पता ही है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स थी वो तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी, एक ये है, दूसरा ये है जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होगा उसका क्योंकि यहाँ पे पिछला साल दिया है, और एक जो था वो रेशियो 3:2 का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए पहली बार करा रहा हूँ तो मैं आपको क्वेश्चन भी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा उसमें हम क्वेश्चन इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वी विल डायरेक्टली मूव टू द आंसर। ओके तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट चीज़ जो है दी गई है वो कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए दिया है फर्नीचर फिक्सचर्स, सैलरी जो हम पे करते हैं, बेड डेप्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर एडजस्टमेंट है तो आपको देखना है बेड डेप्स, ठीक है। फिर आगे जाते हैं तो यहाँ पे भी कमीशन है, ये कमीशन जो है वो रिसीव किया हुआ कमीशन है हमारा। बिल्स पेएबल, जो बिल्स पे करने बाकी है, और उसके बाद जो है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें से क्रेडिट बैलेंस आ रही है, कितनी आ रही है फ्रेंड्स, 97,250। तो यहीं से हम हमारा जो आंसर है वो स्टार्ट करेंगे, राइट। आई होप यू ऑलरेडी नो दैट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसकी बैलेंस से ही हम आंसर जो है हमारा स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी जो है नेक्स्ट में हम अगर देखेंगे तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने आपको अभी दिखा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपका एक नज़रिया जो है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, है ना। आप क्वेश्चन को किस तरह से देखते हो, क्वेश्चन में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में स्टूडेंट्स क्या जनरल मिस्टेक करते हैं, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिसमें क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ट्रेडिंग अकाउंट तक हमने ले लिया। यहाँ पे जो है बाकी दो चीज़ें हैं जो है कैश एंड स्टॉक, ठीक है ना। तो जो बाकी रहा है वो स्टॉक है, और उसके बाद कैश जो है अवेलेबल कंपनी के पास वो भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस। अभी देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स जो है यहाँ पे कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो पहला एडजस्टमेंट कौन सा है, देखिए अभी ये क्वेश्चन जो है आप अपनी बुक में ओपन करके रख सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो स्क्रीनशॉट जो है वो आप ले सकते हो इसी में से, और उसको भी आप रेफ़र कर सकते हो कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स जो है यहाँ पे वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट थिंग, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑफ 6% ऑन मशीनरी एंड 20% ऑन फिक्स्चर्स, ठीक है ना। तो अभी एडजस्टमेंट जो है वो मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे भी, बाकी बाद में भी जैसे जैसे हम एंट्री करेंगे वो मैं आपको बताता चाहूँगा। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो है वो दो चीज़ों के ऊपर है फ्रेंड्स, कौन सी चीज़ के ऊपर है। पहला तो जो है मशीनरी हमारा, तो जो मशीनरी परचेस किया है उसके ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। तो जो मशीनरी की अमाउंट है हमारी, है ना, वो कितनी है फ्रेंड्स, वो है 50,000, ठीक है ना।
उसके ऊपर 6% डेप्रिसिएशन है, और उसके बाद फर्नीचर फिक्सचर्स जो है उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन है। तो फर्नीचर फिक्सचर्स जो है वो हमारे कितने हैं फ्रेंड्स, वो है 5000। तो इसके ऊपर 20% मतलब कि यहाँ पे 1000 डेप्रिसिएशन लगेगा, और यहाँ पे 6% मतलब कि 3000 जो है वो डेप्रिसिएशन आपको लगने वाला है। ठीक है, अभी देखिए एडजस्टमेंट आपको पता ही है कि जिसकी दो इफ़ेक्ट्स होंगी, ठीक है ना। तो ये सारे ऐसे एडजस्टमेंट है जिसकी दो इफ़ेक्ट्स होगी। अभी यहाँ पे देखिए कौन कौन से इफ़ेक्ट होगी। डेप्रिसिएशन जो वो बहुत ही कॉमन एडजस्टमेंट है, और 11th में बहुत किया है आपने डेप्रिसिएशन। अगर कुछ भी डाउट है अभी बता देता हूँ क्या करना है। देखिए अभी डेप्रिसिएशन जो है वो हमारा एक एक्सपेंस है, तो क्या होगा कि PNL जो है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा है PNL अकाउंट, उसमें कौन सी साइड आएगा फ्रेंड्स, वो डेबिट साइड आएगा, क्योंकि वो हमारा एक एक्सपेंस है, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो बैलेंस शीट जो है ना, बैलेंस शीट में कौन सी इसकी इफ़ेक्ट आएगी, असेट्स जो है वो माइनस होंगे। आपको ऑलरेडी पता है कि जब भी बैलेंस शीट आप ड्रॉ करोगे तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है ना, वो कौन सी है आप देखो तो मशीनरी है, बिल्डिंग है एंड फर्नीचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मशीनरी और फर्नीचर दो चीज़ों के लिए आपको दिया गया है एडजस्टमेंट। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया इसका कि बैलेंस शीट में एसेट्स जो है वो माइनस होंगे और PNL में जो है वो डेबिट साइड ये चीज़ आने वाली है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। देखिए मैं पहले एडजस्टमेंट भी आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर कौन सी चीज़ कहाँ पे लेनी है वन बाय वन वो भी आपको बता दूंगा, है ना। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है तो आप वीडियो पूरा आप देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, पॉज कर सकते हो, या थोड़ा आप बैक जाके भी वीडियो को देख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं सेकंड वन। अभी यहाँ पे क्या दिया है आप देखो, रिटर्न ऑफ ₹500 फ्रॉम डेप्टर्स एज बैड डेप्ट। अभी यहाँ पे क्या किया है, देखिए जो बैड डेप्ट है आपको ऑलरेडी पता है, बैड डेप्ट का कंसेप्ट आपको पता ही होगा, ठीक है ना। तो बैड डेप्ट जो है यहाँ पे क्या है, पहले तो जो डेप्टर्स हैं है ना वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि देखिए डेप्टर्स मतलब कि हमको हमारे फ्यूचर रिसीवेबल्स हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया कि उनकी जितनी भी अमाउंट थी उसमें से 500 हमने रिटर्न ऑफ कर दी। रिटर्न ऑफ कर दी उसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी वो बुक में नोट कर लिया कि ये ₹500 आने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। तो उसको हमने रिटर्न ऑफ कर दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये एक एक्सपेंस हो गया। अगर हमारा एक्सपेंस हो गया तो क्या होगा फ्रेंड्स, PNL अकाउंट जो है उसमें से वो होगा डेबिट, है ना। और उसी के साथ बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगी फ्रेंड्स, जो पहले अभी अभी हमने देखी थी क्या होगा फ्रेंड्स, जो डेप्रिसिएशन में देखी थी यहाँ पे हमने देखी थी कि एसेट्स जो हैं वो हमारे माइनस होंगे, है ना। क्यों माइनस होंगे, अभी उसका रीज़न क्यों है, क्या है कि हमको जो चीज़ मिलने वाली थी, डेप्टर्स की अमाउंट जो दी गई थी हमको, वो डेप्टर्स में से अभी हमको माइनस करके कुछ चीज़ मिलने वाली है ना। मतलब कि बैड डेप्ट जो है वो माइनस कर दिया। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो डेप्टर्स दिया हुआ है आपका 40,000, तो 40,000 में से ₹500 जो हैं वो रिटर्न ऑफ कर दिए। उसका मतलब क्या हुआ कि एसेट साइड ये लेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे एसेट कम हो रहे हैं, क्योंकि बैड डेप्ट जो है हमने बना ली, है ना, कितनी, ₹500 की, ठीक है। तो जो हमको 40,000 आने वाले थे फ्रेंड्स, है ना, डेप्टर्स मतलब कि फ्यूचर रिसीवेबल्स जो आने वाले थे, उसमें से हमने क्या किया फ्रेंड्स, ₹500 लेस कर दिए। उसका मतलब कि हमको वो ₹500 कभी आने वाले नहीं हैं, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया, कंपनी में हमने एज्यूम वो कर लिया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज़ एनुअल सैलरी। तो चलिए जैसे कि दो पार्टनर है तो दोनों की एनुअल सैलरी भी है, ठीक है ना। एक की है 5000 और दूसरे की सैलरी है 4000, ठीक है ना। तो ब्रह्मा और विष्णु को सैलरी देने वाले हैं, एक को देंगे 5000, दूसरे को देंगे 4000, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा डिसाइड हुआ है। अभी देखिए ये एडजस्टमेंट है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट जो है ना वो यही है, ठीक है ना। अभी क्यों ऐसा है, क्योंकि देखिए आप PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना रहे हैं, PNL अकाउंट भी बना रहे हैं और बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ ऐसी है कि जो तीनों में यूज़ होगी हमारी, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा फ्रेंड्स कि हमारी जो सैलरी है ना, वो एक चीज़ तो कंफर्म है कहाँ पे आने वाली है फ्रेंड्स, हमारे PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, है ना।
तो वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है, मतलब कि वो डेबिट साइड होगी, ये दोनों सैलरी जो है वो होगी डेबिट साइड। कहाँ पे फ्रेंड्स? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए अभी एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसके साथ मैंने आपको बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट ये एंट्री है और ये एंट्री आती ही है, 100% आती है। क्योंकि क्या है कि जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें सैलरी का ही तो मेन एंट्री है ना। अगर सैलरी उसमें नहीं लेते हैं तो फिर सीधा डिविजिबल प्रॉफिट ही हमको फाइन करना रहेगा, इसीलिए ये एंट्री पूछी ही जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं कि सैलरी दूसरी दूसरा क्या रीज़न है। एक तो मैंने बताया कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी आती ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि पार्टनर्स होते हैं वो सैलरी लेते ही हैं, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज़ ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सैलरी जो है वो आपको दो जगह पे दी हुई होती है ना। एक कहाँ पे दिया है हमको फ्रेंड्स? ट्रायल बैलेंस में। आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस में भी एक सैलरी दी हुई है ना, लेकिन वो अलग है और ये सैलरी अलग है। क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस वाली सैलरी होगी वो आएगी पीएनएल अकाउंट में, और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट में है वो आएगी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है ना। तो एक ट्रायल बैलेंस में दी है और दूसरी सैलरी जो हमको दी है वो कहाँ पे दी है फ्रेंड्स? एडजस्टमेंट में, ठीक है ना। तो इसीलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आगे भी मैं ये आपको डिटेल में बताऊंगा। चले देखते हैं नेक्स्ट वन, कमीशन ऑफ ₹500 इज रिसीवेबल। बहुत ही सिंपल एंट्री है ना, अगर ये एडजस्टमेंट आता है तो आप लोग तो खुश हो जाओगे, बहुत ही अच्छा हो गया है ना। तो सबको पता है ये, तो इसमें क्या होने वाला है, देखिए कमीशन रिसीवेबल है, उसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इनकम बढ़ने वाली है। तो पीएनएल में क्या होगा फ्रेंड्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसमें कौन सी साइड ये ऐड होगा? क्रेडिट साइड। ओके, ऑन द अदर साइड बैलेंस शीट में भी क्या होगा? सेम इफेक्ट आएगी, वो एसेट साइड आएगा और ऐड होगा, ठीक है ना। तो एसेट हमारे बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम 500 कमीशन जो है वो रिसीव करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जो एसेट हैं हमारे बढ़ रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल इफेक्ट आ गई, तो इसमें इतना डिस्कशन करना नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज़ आउटस्टैंडिंग सैलरी। चलिए अभी जो 3000 है वो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? आउटस्टैंडिंग जहाँ पे भी आती है उसका मतलब क्या है कि हमको पेमेंट करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए वो चीज़ क्या हो गई फ्रेंड्स? एक्सपेंस, मतलब कि वो जाएगा डेबिट के साइड। कितनी आउटस्टैंडिंग सैलरी है फ्रेंड्स? 3000। ओके, उसके बाद अभी बैलेंस शीट में आप देखो, अगर बैलेंस शीट के को कंसिडर हम करते हैं तो बैलेंस शीट में ये चीज़ कहाँ पे आएगी फ्रेंड्स? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाली एंट्री भी जनरली होती ही है, एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। देखिए अभी ये हमारी सैलरी जो है वो बाकी है ना, मतलब कि हमको सैलरी पे करनी बाकी है, हमने पे नहीं की है। उसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कि हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हुई है ना। देखिए दो चीज़ अलग अलग है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा ये पॉइंट मेरा। एक चीज़ ऐसी हो रही है कि जिसमें असेट डिक्रीज़ हो रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स कि डेप्टर्स जो हमको रिसीवेबल थे उसमें से 500 कम हो गए, ठीक है ना, क्योंकि हमारी एसेट डिक्रीज़ हुई। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका रिवर्स, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, मतलब कि पेमेंट करना जो है वो हमारा बाकी है, इज़न्ट इट। उसका मतलब कि वो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज़ होगी। तो असेट डिक्रीज़ हो रहे हैं वो ये वाली एग्जाम्पल है, लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है वो ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 एडजस्टमेंट दिए हैं मैंने आपको, सारे एडजस्टमेंट जो है वो एक्सप्लेन कर दिए। अभी हम आएंगे आंसर की तरफ, है ना। देखिए जितनी भी चीज़ें हैं कि जहाँ पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं वो मैं सारी की सारी आपको बताने वाला हूँ, कंटिन्यूसली बताता रहता हूँ। तो बिल्कुल फोकस करके सारा का सारा वीडियो एंड तक देखिएगा, तभी ये आपके लिए मीनिंगफुल होगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। अभी अभी हमने 50 वीडियोज़ कम्प्लीट किए हैं यूट्यूब में, और आज से लेके दिवाली तक डेली एक वीडियो आएगा अलग अलग स्टैंडर्ड का। तो आपके फ्रेंड्स कोई भी स्टैंडर्ड में हो, स्टैंडर्ड 7th से लेकर 12th तक, इवन बैंक एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सारे लोगों को आप ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए देखते हैं आगे, अभी जाते हैं हम आंसर में। तो देखिए जो आंसर आपका शुरू होगा वो शुरू हो रहा है पीएनएल अकाउंट से, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। तो पीएनएल अकाउंट में क्या लेंगे? सबसे पहले देखिए एंट्री आ रही है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस की, है ना, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो भी आप बोल दो। तो देखिए यहाँ पे पहले तो सैलरी आ गई,
ये सैलरी कौन सी वाली सैलरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ट्रायल बैलेंस में आपको दी गई है वो सैलरी, मतलब कि 7500, ओके, जिसका एडजस्टमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, ओके। इसके बाद ये आ गई हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो यहाँ पे आप एक याद रख सकते हो कि आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी वो थी हमारे एडजस्टमेंट में, ठीक है ना। तो लास्ट एडजस्टमेंट हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी था, तभी मैंने आपको बताया था कि पीएनएल में वो डेबिट होगा, और उसके अलावा दूसरी इफ़ेक्ट जो है उसकी आएगी वो होगी बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उससे क्या होता है, पीएनएल में डेबिट होता है, बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। चलिए बाकी की जो चीज़ें हैं वो तो यहाँ पे सीधा ले ली है जो ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया था। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जो है उसका ग्रोस प्रॉफिट आपको दिया गया है, डिस्काउंट रिसीव्ड आपको दिया गया है 400। उसके बाद देखिए कमीशन, तो कमीशन जो है वो 2500 है, दैट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक चीज़ आ गई, कौन सी चीज़ है फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग। तो ये क्या है फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग कमीशन, मतलब वो कमीशन की जो बाकी है, ठीक है ना। तो वो भी हमने देखा था, तो आउटस्टैंडिंग कमीशन जो है वो कितना है फ्रेंड्स, 500। तो वो टोटल हो गया हमारा 3000। तो वो क्या हो रहा है फ्रेंड्स, वो क्रेडिट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी सेकंड टाइप ऑफ एक्सपेंस हम देखते हैं जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। देखिए अभी कई स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं, कंटिन्यूसली पूछते रहते हैं कि सर अगर ये टाइटल हम नहीं देंगे तो क्या चलेगा। मैं बोलता हूँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन लेकिन अगर आपने टाइटल दे दिया तो क्लैरिटी इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा इतनी ज़्यादा हो जाएगी आपकी कि आप फिर गलती कर ही नहीं सकते हो। देखिए क्लैरिटी क्यों हो जाएगी, क्योंकि सभी टाइटल का एक मीनिंग है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस मतलब क्या हुआ कि सैलरी बाकी है, कुछ ट्रेडिंग एक्सपेंस हो गए, है ना, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है ये पूरी। अभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम आप एक्सपेंस जो आप है वो देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि सेलिंग करने के लिए, बेचने के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो एक्सपेंस है, मतलब भी कैरियज आउटवर्ड जो कैरियज का चार्ज आप दे रहे हो या हमने किसी को डिस्काउंट दे दिया, तो ये कौन से एक्सपेंस है फ्रेंड्स, सेलिंग एक्सपेंस। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ गई। अगर आपको टाइटल याद है तो आपको ट्रायल बैलेंस से ही पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी थर्ड टाइटल आ गया हमारा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये थर्ड है। देखिए जैसे जैसे बैलेंस शीट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने आपके लिए काम बहुत ही आसान कर दिया है। वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है या इसमें से क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे तो मार्क्स हमको नहीं आएंगे या मिस्टेक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। चलिए अभी देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ब्रह्मा का इंटरेस्ट ऑन लोन जो ये अमाउंट हमको दिया है 2250, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो 2250 जो है अमाउंट वो क्यों दिया है। देखिए पहले तो ब्रह्मा ने जो लोन लिया है वो कितने रुपीज़ का है फ्रेंड्स, 50,000 का, राइट। अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो हमको यहाँ पे नहीं दिया है, ठीक है ना। तो अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो हमको कितना लेना है फ्रेंड्स, 6%। ये क्वेश्चन MCQ में भी आता है कि अगर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो कौन सा लेना है, आंसर विल बी 6%। ओके, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो लोन है वो आउटस्टैंडिंग वाली लोन है, और वहाँ पे आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमको अभी जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसने लोन कब ली है। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको पता चलेगा 1/7/2016, ये डेट आपको दी गई है ट्रायल बैलेंस में। तो पूरे के पूरे साल का इंटरेस्ट मत ले लेना, अदरवाइज आंसर आपका आएगा चेंज। तो यहाँ पे सिर्फ 9 मंथ्स की ही बात है, क्योंकि 1/7/2016 से लेके 31/3/2017 तक हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो वो हो गए 9 मंथ्स, है ना, और डिवाइड बाई 12। तो ऐसा होगा, जैसे ही आप ये करोगे यू विल गेट वन अमाउंट, द अमाउंट इज 2250, इट इज़ दिस, राइट। तो ऐसे ये अमाउंट कैलकुलेट हो रही है। देखिए फ्रेंड्स यही क्वेश्चन आता है कई बार एग्जामिनेशन में, तो आपको फोकस रखना है और ऐसा करना है कि भाई कहाँ पे मिस्टेक हो सकती है हमारी। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बताई थी कि PNL रेशियो 3:2 था, वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। फिर ये जो डेट है वहाँ पे मिस्टेक हो सकती है ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हो, तो आपको उसी के ऊपर फोकस करना है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो सिंपली ही आपके साथ आने वाली हैं, उसमें कुछ इतना गड़बड़ नहीं होगा। चले फ्रेंड्स देखते हैं आगे।
देखिए अभी ये PNL अकाउंट जो है वो हम ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। अभी हमने देख लिया, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन ये चीज़ हो गई हमारी, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, अभी आ गए फाइनेंशियल एक्सपेंस, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल एक्सपेंस में आप देखो तो लोन ओरिएंटेड चीज़ें हैं, बैड डेब्ट्स है, डेप्रिसिएशन है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि ये 2250 तो हमने ले लिया इंटरेस्ट, उसके बाद दूसरे एक्सपेंस या लॉसेस कौन से हैं। तो बैड डेब्ट हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, कहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में, प्लस बैड डेब्ट। तो बैड डेब्ट मैंने आपको बोला था वो हमारा एडजस्टमेंट था बैड डेब्ट का। एडजस्टमेंट में मैंने आपको बताया था कि वो PNL जो है उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, डेबिट, क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस है। और जो बैलेंस शीट है उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे एसेट में से वो माइनस होगा, मतलब कि डेब्टर्स में से, डेब्टर जो हमारे फ्यूचर रिसिवेबल हैं उसमें से माइनस होगा बैड डेब्ट, ठीक है ना, ऐसा होगा। तो यहाँ पे अमाउंट हमको मिल रही है 1700। तो ये बैड डेब्ट जो है यहाँ पे तो हमने ले लिया, लेकिन ये एडजस्टमेंट वाली बात है तो आपको फोकस करना है कि वो दोनों जगह पे आएगा, है ना। दूसरी कौन सी जगह है फ्रेंड्स, दूसरी जगह है बैलेंस शीट, जहाँ पे वो आएगा आपका एसेट्स के साइड, एसेट्स जो है वो आपके कम होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज़ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी हमने ऑलरेडी देख लिया है, ये मशीनरी जो है उसका डेप्रिसिएशन हो गया 1000, तो वो भी यहीं पे कंसिडर होने वाला है, ठीक है ना। और अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज़ रिटर्न ऑफ लीज होल्ड बिल्डिंग। देखिए लोन के अलावा मैंने आपको बोला था कि लीज होल्ड वाला जो पॉइंट है वो भी फोकस में रखना है, गलती ना कर दें कहीं आप, क्योंकि वहाँ पे 60,000 जो दिया था वो 10 ईयर्स के लिए था, ठीक है ना। हमको क्या करना है यहाँ पे, डिवाइड बाई 10, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सिर्फ एक साल की, हमको सारी कैलकुलेशन एक साल के हिसाब से करनी है, तो इसलिए यहाँ पे 6,000 है, 60,000 मत लेना। अगर गलती से वो ले लिया, खलास, बात ख़त्म, आपका आंसर करेक्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। अभी देखते हैं कि ये जो नेट प्रॉफिट है वो कैसे आता है, ये वाली अमाउंट देखिए। हमारे पास ऑलरेडी पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो क्रेडिट में है, उसका टोटल हमको पता है कितना है फ्रेंड्स, 1,650,000। तो यहाँ पे भी आपको वही टोटल जो है वो लिखना है, ठीक है ना। और बाकी जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है, मतलब कि 68750 आपका डिफरेंस की अमाउंट है, ठीक है ना। फिर से एक बार और बता दूँ मैं आपको, थोड़ा क्लियर करके बता देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है आपकी अमाउंट है, टोटल वाली अमाउंट है, अभी 68750 आपके पास नहीं है, तो इन सब का टोटल करेंगे हम और वो माइनस करेंगे 1,650,000 में से, 1,00650 माइनस टोटल, कौन सा टोटल फ्रेंड्स, ये वाला देखिए, ठीक है। तो जैसे ही आप ये करोगे यू विल गेट द आंसर विच इज 6,875,000, ठीक है ना। ओके तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इस क्वेश्चन से शुरुआत की है आपको पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने की, है ना, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना। फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम हमारी इंटरनल टेस्ट में पूछते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अच्छा सर ये तो ब्रह्मा विष्णु वाला 68750 वाला क्वेश्चन है, तो लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ भी अमाउंट चेंज हुई, जनरली चेंज नहीं करते हैं हम, लेकिन अगर एग्जामिनेशन में कुछ अमाउंट चेंज हुई तो उसका मतलब है कि आप वो पुराना आंसर ही लिख के आगे बढ़ोगे, तो कभी भी अमाउंट जो है मगअप नहीं करनी है, ठीक है ना, डोंट डू दैट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, अभी का पार्ट जो है वो थोड़ा सिंपल हो गया। देखिए अभी है PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिंक की वजह से जो टाइटल जो आपको पूरा का पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये है PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। तो देखिए मैंने बोला था कि सैलरी जो है वो PNL अप्रोप्रिएशन में आती ही है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो सैलरी है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि वो पैसा देती है वो तो है ही, इसके अलावा सैलरी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही एक चीज़ है कि जो PNL अप्रोप्रिएशन में दोनों के लिए आएगी, तो ये जो है वो चीज़ हमेशा एडजस्टमेंट में आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो सैलरी आ गई PNL में से, तो हमारा प्रॉफिट है ही 68750, तो जो भी हमारा प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है, वो सीधा का सीधा हमने क्रेडिट साइड लिख लिया, सीधा वो यहाँ पे आ रहा है, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख ली, यहाँ से हम यहाँ आ गए, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या किया, ये अमाउंट फाइंड की, कैसे फाइंड की, अच्छे से समझिएगा
क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं पे मिस्टेक करते हैं, दिस इज़ नॉट सो ईजी, ठीक है ना। एक बार आपको पता चल गया कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बता दिया, कोई टेंशन नहीं। चलो 68750 माइनस क्या करना है आपको 9000 9000, ये जो अमाउंट है आपको कर देनी है माइनस, ठीक है ना। जैसे आप माइनस करोगे आपको मिलेगा 59750, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब ये मिलने के बाद स्टूडेंट्स ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये रेशियो कौन सा है ना, इसको कैसे डिवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लाइन जो है उसमें आपको ये रेशियो दिया है डिविजिबल प्रॉफिट 3/2, तो आपको इसको डिवाइड करना है 59750 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, ठीक है ना। तो आपको मिलेगी ये अमाउंट ब्रह्मा की। इसी तरह से 59750 इंटू 2 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो आपको कौन सी अमाउंट मिलेगी, विष्णु की, ठीक है ना। तो ये दोनों अमाउंट मिल जाएगी जो डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट जो है वही फाइनल प्रॉफिट है कि जो डिस्ट्रीब्यूट होगा दो लोगों के बीच में, ठीक है ना। दूसरी चीज़ की डिविजिबल प्रॉफिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैलेंस शीट में जहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख रहे हो, सारे अकाउंट्स लिख रहे हो, वहाँ पे आपको डिविजिबल प्रॉफिट भी लिखना है। अगर गलत आया उसका मतलब कि बैलेंस शीट का टोटल जो है वो आपका टैली नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको फोकस करना है और मिस्टेक नहीं करनी है। वैसे सिंपल ही चीज़ें हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, उसी साइड पे आपको जाना है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अभी बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपके लिए बैलेंस शीट लाया हूँ। अगर ऐसा है कि बैलेंस शीट आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है, या कौन सी चीज़ें आती है आपको अगर पता नहीं है, है ना, या कोई भी डाउट है, आई गारंटी यू कि जैसे ये बैलेंस शीट आप कंप्लीट करोगे आपको 100% वो चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कैसे चीज़ों को करना है, कैसे लिखना है, कौन सी चीज़ें पहले लिखनी है, कौन सी बाद में, सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी क्लियर। देखिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल एंड लाइबिलिटीज़ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स हैं ना, वो कितने हैं पहले, तो फ्रेंड्स दो अकाउंट्स हैं, एक है ब्रह्मा का, एक है विष्णु का, ठीक है। अभी यहाँ पे हम आएंगे ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है हमारा, जो पैसे लेके उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है ना, तो वो कितना था, 55,000 और 45,000, डन हो गया, ठीक है। फिर दोनों की सैलरी ऐड करनी है 5,000 एंड 4,000, ठीक है ना, इसमें भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये एडजस्टमेंट वाली सैलरी है, ठीक है, तो वो हमेशा आएगी। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट भी ऐड करना है आपको, डिविजिबल प्रॉफिट भी ऐड करना है, ठीक है ना। और उसके बाद अगर कुछ ड्रॉइंग्स हैं तो उसको माइनस करना है, ठीक है ना। तो ड्रॉइंग्स माइनस करोगे तो आपको फाइनल अमाउंट मिलेगी एक पार्टनर की, इसीलिए इसी तरह से हम यहाँ पे जो फाइनल अमाउंट लेंगे वो दूसरे पार्टनर की फाइनल अमाउंट लेंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल अकाउंट से आपको स्टार्ट करना है। देखिए सिस्टमेटिक करेंगे ना तो आपको डाउट कम रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और ऐसा नहीं होगा कि आप कोई एंट्री छोड़ दें, है ना, गलती से छूट जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम इसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलिए अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए अभी मैं थोड़ा एसेट साइड आपको बता दूँ, ठीक है ना। तो एसेट साइड क्या होगा, देखिए फिक्स्ड एसेट से शुरू करेंगे। तो मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन कहाँ दिया है हमको, मैंने आपको कैलकुलेट करवाया था एडजस्टमेंट में, ठीक है ना। तो मशीनरी और उसका डेप्रिसिएशन हो गया, ये अमाउंट मिल गई। फिर बिल्डिंग और रिटर्न ऑफ वैल्यू भी है यहाँ पे, तो वो भी हमने माइनस कर दी, तो वो हो गया 54,000, है ना। वो कौन सा रिटर्न ऑफ वैल्यू है, लीज होल्ड वाली, आपको याद ही होगा लीज होल्ड वाली वो रिटर्न ऑफ वैल्यू है, वो माइनस कर दिया, आ गया 54,000। उसके बाद फर्नीचर में से भी डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, आ गया 4,000। देखिए जो फिक्स एसेट है ना, उसके मेन तीन पिलर्स जो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी है कि जो आपको याद रखनी है और उसी सिस्टम में आपको जाना है। फर्स्ट मशीनरी, सेकंड बिल्डिंग, थर्ड फर्नीचर। तो ये इसी सीक्वेंस में आपको लेने हैं। देखिए अगर आप इस सीक्वेंस में नहीं लोगे तो होगा क्या कि कुछ चीज़ें छूट जाएगी या फिर कन्फ्यूजन होगा, फिर आप एसेट के बदले लाइबिलिटी साइड उसको ले लोगे, या कोई ना कोई गलती जो है वो आप कर सकते हो। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप सिस्टमेटिक ही इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है ना। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, लास्ट दो पार्ट हमारे बाकी हैं इस वीडियो के,
तो अभी आ गए हम करंट लाइबिलिटीज़ में। देखिए टाइटल भी इम्पोर्टेंट है, पहले कैपिटल अकाउंट्स देख लिए, उसमें दो अकाउंट क्योंकि दो पर्सन है, एक है ब्रह्मा और एक है विष्णु, वो ले लिया। उसके बाद फिक्स एसेट ले लिया, फिक्स एसेट में कौन सी चीज़ें हैं, तीन चीज़ें, कौन सी, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, वो तीन चीज़ें ले ली। तो ऐसे ही सिस्टमेटिक जाओगे ना आप तो बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। प्लस मैं ऐसे तीन या चार और वीडियोस बनाऊंगा कि जिसमें इसी स्टाइल में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें, तो वैसे भी आपको याद रह जाएंगी। देखिए अभी ये करंट लायबिलिटीज़ है, तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं वो तो आपको सीधा ट्रायल बैलेंस में से ही लेनी है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेएबल हो गए, लोन हो गए। अभी यहाँ पे एक चीज़ और है, वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ना, जो ब्रह्मा का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है वो भी है यहाँ पे, तो वो है 2250, मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था पहले ही, तो वो यहाँ पे भी लेना है। देखिए जब भी एडजस्टमेंट आप देखते हो ना, तो एडजस्टमेंट के साथ ही आपको थोड़ा नोट कर लेना है कि कौन सा एडजस्टमेंट जो है वो किस तरफ चाहेगा, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट वन विल बी आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो सैलरी बाकी है आउटस्टैंडिंग है वो आ जाएगी, ठीक है ना। ये चीज़ भी वही है कि आपको सिंपली उसको पुटअप ही कर देना है। अभी जाते हैं क्वेश्चन के और वीडियो के लास्ट पार्ट में, वो हो गया देखिए करंट एसेट्स एंड एडवांसेस। अभी छोटा सा रिवीजन दे दूं मैं आपको, देखिए पहले लेना है कैपिटल अकाउंट जिसमें दो पर्सन का अकाउंट आ गया 1 और 2, उसके बाद लेना है फिक्स एसेट जहाँ पे तीन फिक्स एसेट आ गए 1, 2 और 3, मशीनरी, बिल्डिंग एंड फर्नीचर, तीनों में डेप्रिसिएशन या फिर रिटर्न ऑफ वैल्यू वो माइनस करनी है। उसके बाद लिया करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटी मतलब क्या कि शॉर्ट टर्म लोन हो गई, अभी हम कुछ पे करने वाले हैं, या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो गया, सैलरी हो गई, वो सारी चीज़ें उसी में आएगी। लास्ट वन है करंट एसेट्स, है ना। करंट एसेट्स मतलब क्या कि जो रिसेंटली मतलब कि विद इन 1 ईयर जो ट्रांजेक्शन हुए हैं उसके एसेट्स, तो उसमें कहाँ से शुरू करेंगे, डेप्टर से, वो भी बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे क्रेडिटर है आपको पता है, यहाँ पे है डेप्टर। ये एडजस्टमेंट वाला बेड डेप जो है वो हमने कर लिया माइनस, ठीक है ना, तो 500 हो जाएगा माइनस। उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स वो भी ऐसी ही है कि आपको क्वेश्चन में से ही लेनी है। ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो भी क्वेश्चन में दिया है, और ये आउटस्टैंडिंग कमीशन मेरे ख्याल से ये आपको दिया है एडजस्टमेंट में, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप इसी सिस्टम से जाते हैं, आई गारंटी यू कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका अकाउंट टैली ना हो। ओके फ्रेंड्स, सो दैट इज़ वाई बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। देखिए अराउंड 40 मिनट्स हो गई कि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आपको बेस्ट पढ़ना है ना, तो पूरा का पूरा चीज़ जो है वो अच्छे से समझना होगा, और इसीलिए प्रोफेसर गौरव मेहता इज़ विथ यू, आई एम विथ यू फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी ऐसा वीडियो है जो आप देखना चाहते हो या आप चाहते हो कि मैं बनाऊं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो आपके लिए बना के दूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम प्रोफेसर गौरव मेहता टुडे, थैंक यू।